नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल रोडवेज जेएम का तुगलकी फरमान। सिरसा रोडवेज डिपो में एंट्री को कर दिया गया बंद। रोडवेज जीएम ने एंट्री गेट पर खड़ी करवाई रोडवेज बस। डिपो पहले भी जूझ रहा है बसों की कमी से, ऐसे में एक और रोडवेज का रास्ता बंद करने के लिए खड़ी कर दी गई रोडवेज की एक बस। बस स्टैंड आने जाने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है अनेक परेशानी। एंट्री गेट बंद होने के बाद वाहनों के आने जाने वाले लोग भी यहां पर नहीं आ पा रहे। जीएम का कहना है कि परसों पार्किंग में मेरी गाड़ी फंस गई थी, जिसके चलते आज ये रास्ता बंद कर दिया गया, यानी पूरी तरह से तुगल की फरमान। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सिरसा बस स्टैंड में आना जाना और आने वाले लोगों तथा मुसाफिरों के लिए अब मुसीबत भरा हो गया है। यात्री व आमजन के लिए मुख्य रास्ता व उसके अंदर आने वाली एंट्री बंद हो चुकी है, क्योंकि यह आदेश जनाब जीएम साहब का है। पहले इस रास्ते को आम आदमियों के लिए और यात्रियों के लिए खोला गया था, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा बनाई हुई थी, लेकिन पार्किंग का ठेका खत्म होने के बाद रोडवेज जीएम ने गेट पर तिरछी बस लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया। जब इस बारे में रोडवेज जीएम से बात करनी चाहिए तो आज ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से जीएम तो नहीं मिले, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने बताया कि रोडवेज पहले ही उनकी गाड़ी वाहनों के बीच में जाम हो गई थी, क्योंकि लोग अपना वाहन आड़ा तिरछा खड़ा कर देते थे, जिसके चलते उन्हें आने जाने में कठिनाई हुई। तो उन्होंने आओ देखा न ताओ रास्ते को ही बंद कर दिया, यानी जीएम साहब की अपनी गाड़ी पार्किंग किए हुए वाहनों के बीच फंस गई। तो जनाब ने खूब तरीका अच्छा निकाला और आम पब्लिक का रास्ता बंद कर दिया। गौरतलब है कि सिरसा रोडवेज डिपो में बसों की पहले भी कमी है, जिसके चलते कई गांव में अभी तक बस सुविधा नहीं जा पाई। तो वहीं रोडवेज में बसों की कमी को लेकर के रोडवेज के कर्मचारी कई बार धरने पर बैठ चुके हैं। ऐसे में अब रोडवेज के करीब 25 लाख रुपये की कीमत की बस एक रास्ता बंद करने के लिए आड़ी तिरछी खड़ी कर दी गई। इस एक बस को रास्ते के गेट में लगाना यानी कि 12 रूटों को बंद कर देने के समान है। अब ये देखना होगा कि यह बस यहाँ कब तक हटाई जाती हैं, आम लोगों की इस मुसीबत को कब राहत मिलती है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।